कृषि कानूनों के खिलाफ 5 दिन से दिल्ली सीमा पर डटे किसानों को सरकार ने आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में बातचीत के लिए बुलाया है। इससे पहले किसानों ने कहा कि वे अपने हक में फैसला लेने के बाद ही लौटेंगे। कोरोना वायरस का टीका आने में अब चंद दिनों का ही वक्त बचा है। सरकार ने इसे लेकर अपनी योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची इस योजना के अनुसार हर व्यक्ति पर सरकार करीब 400 रुपए खर्च करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। चौहान पीएम से मुलाकात के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास 7 लोग कल्याण मार्ग पहुंचेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में भाकियों ने अपने आंदोलन के तीसरे दिन यूपी गेट पर गांव का रूप दे दिया। फ्लाईओवर के नीचे खुले में सर्दी की ठिठुरती रात बिताने के बाद सोमवार को झोपड़ियां बनाई गई। किसानों ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर वर्ष 1988 के बाद दूसरी बार अपनी धारा 288 लगाने का ऐलान भी कर दिया। किसानों की यह धारा प्रशासन की धारा 144 का जवाब है। किसान संगठनों से आज दोपहर 3 बजे केंद्र सरकार बात करेगी। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगुवाई करेंगे। बीते 5 दिनों से चल रहे किसानों के आंदोलन के कारण मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। उन्हें सीमा सुरक्षा बल के राइजिंग कार्यक्रम में ही जाना था। किसानों के प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि अन्नदाता सड़कों मैदानों में धरना दे रहे हैं और झूठ टीवी पर भाषण। किसान की मेहनत का हम सब पर कर्ज है, जागी अहंकार की कुर्सी से उतर कर सोचिए और किसान का अधिकार दीजिए। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए मंगलवार को 150 वार्डों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। AIMIM नेता ओवैसी ने लोगों से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा, कृपया बाहर निकलकर हैदराबाद की विशिष्ट संस्कृति और पहचान के लिए मतदान करें। सीमा सुरक्षा बल आज अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BSF के जवानों को उनकी राष्ट्र सेवा के लिए नमन किया। पीएम मोदी ने जवानों को नमन करते हुए ट्वीट किया, सभी BSF कर्मियों और उनके परिवारों को BSF के स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर शुभकामनाएं। BSF ने देश को बचाने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों की सहायता करते हुए खुद को एक बहादुर बल के रूप में प्रतिष्ठित किया है। BSF पर भारत को गर्व है। सोमवार को जहां COVID-19 के 78,772 नए मरीज मिले, वहीं मंगलवार को 31,118 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 482 लोगों की मौत हुई। आगरा स्नातक एवं शिक्षक खंड सीट निर्वाचन के लिए आगरा समेत 12 जिलों में स्नातक और शिक्षक मतदाता वोट डाल रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। JNU छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला रशीद के पिता ने बेटी पर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी शेहला IAS के टॉपर रहे शाह फैसल के साथ मिलकर कश्मीर में हुर्रियत जैसी नई तंजीम खड़ी करना चाहती थी। शेला रशीद ने पिता के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वह घरेलू हिंसा करने और पत्नी को पीटने वाला इंसान है। इनके इस व्यवहार के खिलाफ हम चुप नहीं रहेंगे। पिता ने कभी सोचा नहीं था उनकी बेटी और पत्नी उनके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगी। कश्मीर में पारा शून्य से नीचे चले जाने के बीच उत्तर भारत के कई हिस्सों में सोमवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। दिल्ली में नवम्बर का महीना 71 साल में सबसे सर्द रहा। राजधानी दिल्ली में पहली बार कोरोना से दोबारा संक्रमित होने के मामले मिले हैं। सर गंगाराम अस्पताल में एक स्वास्थ्य कर्मचारी और एक अन्य व्यक्ति को 2-2 बार संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है। किसान आंदोलन के दौरान सिंघू बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दंगा करने, सरकारी आदेश का पालन नहीं करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। किसान आंदोलन के सहारे राजनीतिक दल पंजाब विधानसभा की भी तैयारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सियासी चहलकदमी पंजाब के मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल में दिख रही है। किसानों से होने वाली बातचीत के पहले नड्डा के घर पर होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए JP नड्डा के आवास पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। सीमा पर चीन के साथ जारी तनातनी के बीच भारत ने मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का परीक्षण किया। तमिलनाडु में निवार के दस्तक देने के एक सप्ताह से कम समय के अंदर एक और तूफान के आने की आशंका जताते हुए मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को कहा कि यह तूफान 2 दिसंबर को श्रीलंका के समुद्र तट को पार करेगा और इससे तमिलनाडु तथा केरल में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाली कई तस्वीरों को साझा किया है। ये तस्वीरें 3 साल पहले उनके द्वारा की गई भारत यात्रा की है। दुनिया पहले से ही कोरोना वायरस का दंश झेल रही है और अब जापान में बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है। देश के 4th प्रांत में भी अब पाया गया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस से बात की। दोनों के बीच COVID-19 के खिलाफ लड़ाई सहित जरूरी वैश्विक मुद्दों पर साझेदारी को मजबूत बनाने के संबंध में चर्चा हुई। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ संयुक्त विपक्ष ने सोमवार को मुल्तान शहर में विपक्षी नेताओं की 2 बेटियों ने जलसा किया, जो इमरान सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए अलग अलग पार्टियों में होने के बावजूद एक साथ मंच साझा किया।
सारा अली खान बताती है, हम लोग मैं तो रास्ते से जा रहा था कि शूटिंग कर रहे थे, वरुण कॉस्ट्यूम से जुड़ा कुछ काम बैन में कर रहे थे, जैसे डेविड सर उनसे काफी नाराज थे इसलिए वह नाराज तो वरुण पर थे लेकिन गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। कविता ने कहा, ये लोग पहाड़ों में घूम रहे थे और खुशी भरे वीडियो शेयर कर रहे थे, मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि इस घर में कोई भी वास्तविक नहीं है, मेरा इन दोनों पर से विश्वास पूरी तरह उठ गया है। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय अपने परिवार के साथ मालदीव में क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। विवेक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा की हैं जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड की किंग खान शाहरुख खान दुबई से मुंबई आ गए हैं। शाहरुख खान को हाल ही में यशराज फिल्म स्टूडियो के बाहर देखा गया। इस दौरान शाहरुख खान लंबे बाल और फ्रेश दाढ़ी में अलग ही नजर आए। इंडियन आइडल के मंच पर एक प्रतियोगी डबल धमाका लेकर आए हैं। यह प्रतियोगी अपने लड़की की आवाज में तो कमाल कर गाते ही हैं, साथ ही वह लड़की की आवाज में भी सिंगिंग करते हैं। नताशा का उनके बेटे अगस्त के साथ एक डांसिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे फैंस अपने लाइक्स और कमेंट द्वारा खूब प्यार दे रहे हैं। इस वीडियो में नताशा और उनका बेटा बेहद क्यूट नजर आ रहे हैं। आशिकी फेम एक्टर राहुल रॉय को फिल्म की शूटिंग के दौरान ब्रेनस्ट्रोक आया था। फिलहाल मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती है, उनकी कंडीशन अभी स्थिर बताई जा रही है। बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर पर वेब सीरीज में काम कर रही एक एक्ट्रेस ने रेप का आरोप लगाया है। वेब सीरीज में काम कर रही एक अभिनेत्री द्वारा बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर आयुष तिवारी के खिलाफ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में रेप का मामला दर्ज कराया गया है। भारती को कपिल शर्मा शो से निकाले जाने की खबर पर कृष्णा अभिषेक ने कहा कि चैनल की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। वह बोले, कपिल और मैं हमेशा भारती सिंह के साथ खड़े रहेंगे, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर ऐसा होता भी है तो मैं भारती को सपोर्ट करूंगा। अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस कैपिटल ने HDFC लिमिटेड और एक्सिस बैंक के टर्म लोन को डिफॉल्ट कर दिया है। दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट तथा डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल ने उसके एसेट बेचने पर रोक लगाई है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान में खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 286 अंकों की तेजी के साथ 44,435 पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 94 अंकों की तेजी के साथ 13,062 पर खुला। दिल्ली के गाजीपुर टोल टैक्स के महज 2 किलोमीटर दूर देर रात 2 बजे एक ट्रक हादसा देखने को मिला। कार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए बावल क्षेत्र से दिल्ली कूच करेंगे किसान। बाकी और विभिन्न संगठन से जुड़े किसान संगठनों के बैनर तले बानीपुर चौक से गाड़ियों में बैठकर दिल्ली के लिए कल रवाना होंगे किसान। उकलाना में सरकार के लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा पंजाब के किसान के साथ जहां हर सामाजिक संगठन खड़ा हुआ है, वहीं अब कच्चा एसोसिएशन व्यापार मंडल भी साथ आ गया है। शहडोल के जिला अस्पताल में एक के बाद एक करके हुई 8 बच्चों की मौत। उपचार के दौरान नवजातों की मौत निमोनिया के प्रकोप के चलते, बच्चों की हो रही लगातार मौत। श्री गुरु नानक देव जी के 551 साल प्रकाश पर्व पर श्रीखंड श्री हरमंदिर साहब जी को दुल्हन की तरह सजाया गया। श्रीखंड श्री हरमंदिर साहब जी की आवाज देखने से ही बनती थी। जंडियाला के वैरोवाल रोड पर युवक को मारी 4 गोलियां, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आपसी रंजिश के चलते मारी गई गोलियां। लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के बीच कुछ शरारती तत्वों द्वारा हुल्लड़बाजी की घटनाओं की जोरदार निंदा की है। बाजपुर के गांव मनीमुंडिया में बीते दिनों पुलिस की हुई मुठभेड़ में पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के परिजनों ने पुलिस पर महिला के साथ मारपीट और बुजुर्ग की टांग तोड़ने समेत घर में रखे लाखों की नकदी और जेवरात लूटने का आरोप लगाया है। छात्र निधि को अन्य कामों में खर्च किए जाने और अशासकीय महाविद्यालयों में अनुदान समाप्त करने के विरोध में आज NSUI कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देहरादून पुलिस ने तहसील चौक पर हुई कथित 1,00,000 रुपए की लूट का खुलासा कर दिया है। टप्पेबाजी की इस घटना में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा न केवल भाजपाइयों के लिए खास है बल्कि सरकार भी जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारी में जुटी हुई है, क्योंकि संगठन ही नहीं बल्कि जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे के दौरान सरकार के भी कामों का हिसाब किताब लेने वाले हैं। जून अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुनपुरी महाराज ने कुंभ मेला स्नान के बहिष्कार की चेतावनी दी है। उन्होंने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर उत्तराखंड सरकार की नीतियों पर सवाल या निशान लगाते हुए कहा कि सरकार धन विरोधी कार्य कर रही है। कोरोना महामारी के बढ़ते ग्राफ पर विराम लगाने के लिए SSP के निर्देशन में जन जागरूकता अभियान लगातार जारी है, जिसमें आज कोटद्वार पुलिस ने NCC कैडेट्स के साथ मिलकर मास्क पहनने की अनिवार्यता को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली। एक माह से आतंक का पर्याय बनाकर नरभक्षी बाघ कैद होने से वन विभाग और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। इसके दहशत से चलते ग्रामीणों का बाहर निकलना मुश्किल हो रखा था। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने निर्माणाधीन कांडोलिया पार्क का निरीक्षण किया और इस पार्क को पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी सौगात बताया है।
स्नातकखंड और शिक्षक खंड चुनाव शुरू। जिला प्रशासन ने की पूरी तैयारी। जिले में बनाए गए हैं कुल 38 बूथ। 30 स्नातक व 15 शिक्षक प्रत्याशी हैं मैदान में। कोविड के चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम हर बूथ पर मौजूद। स्नातक वोट 34,000 व शिक्षक 4,000 वोट करेंगे किस्मत का फैसला। हर बूथ पर मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट की व्यवस्था। जनपद में खंड स्नातक व शिक्षक चुनाव का मतदान शुरू। जिले में 35 मतदेय स्थल पर हो रही है वोटिंग। 17,912 मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग का फैसला। सभी मतदेय स्थल पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था। शाम 5 बजे तक होगा मतदान। विधान परिषद खंड स्नातक खंड शिक्षक आगरा खंड के चुनाव को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद। डीएमएसपी सभी बूथों पर पहुंचकर मतदान व सुरक्षा व्यवस्था का ले रहे जायजा। 16,248 मतदाता करेंगे 22 प्रत्याशियों के भाग का फैसला। 11 केंद्रों पर बने 38 बूथों पर हो रहा मतदान। 4 जोनल व 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात। सेक्टर मजिस्ट्रेट सेंटर पर रहकर करा रहे मतदान। फरुखाबाद में बीते 10 दिन से वन विभाग और ग्रामीणों के लिए लगातार मुसीबत बने तेंदुए ने आज ग्रामीणों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर वह गन्ने में कहीं खो गया। शिक्षक स्नातक विधान परिषद चुनाव आज 11 केंद्रों पर बने 38 बूथों पर 16,248 मतदाता करेंगे 22 प्रत्याशियों के भाग का फैसला। फरुखाबाद के कमालगंज ब्लॉक के विधान परिषद खंड स्नातक खंड शिक्षक आगरा खंड के चुनाव पर वोट डालने को लेकर उत्साह। वोट डालने को लेकर लंबी लाइनें लगी। सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को रोजगार देने के दावे पर विभाग के कर्मी पलीता लगा रहे हैं। जहां ग्राम सभा सिंघाचंदा में रोजगार सेवक द्वारा मिट्टी पटाई के कार्य में जेसीबी मशीन का प्रयोग करने का मामला प्रकाश में आया है। मौके पर जेसीबी प्रयोग के निशान भी मिले हैं, जिसकी खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विभाग के भ्रष्टाचार की पोल खुलती नजर आने लगी। ग्राम सभा के कुछ मनरेगा श्रमिकों व आरटीआई कार्यकर्ता ने जनसुनवाई पर शिकायत करते हुए प्रकरण की जांच करने के साथ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि मनरेगा कार्य में मशीनों के प्रयोग से ग्रामीणों को मिलने वाले रोजगार की संभावना खत्म हो रही है। विधान परिषद स्नातक और शिक्षक एमएलसी का मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ शुरू। जनपद में चल रहा है शांतिपूर्ण मतदान। जिले के 22 बूथों पर चल रहा है मतदान। कोविड-19 को लेकर बनाए गए हर बूथ पर हर ब्लॉक जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी में चल रहा है मतदान। 8 बजे से 5 बजे तक चलेगी मतदान प्रक्रिया। यूपी के कासगंज के थाना सिकंदरपुर वैश्य के लबेड़ पुलिया के निकट ट्रैक्टर खाई में पलटने से 2 मजदूरों की हुई मौत, 1 घायल। सामने से आ रहे ट्रैक्टर को बचाने में दूसरा ट्रैक्टर गिरा खाई में। पुलिस ने मृतकों का कराया पोस्टमार्टम। मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र के मेन बाजार तहसील के पास चुनाव प्रक्रिया के दौरान पोलिंग बूथ के पास हुई फायरिंग। पर्ची बांटने के विवाद के बाद हुई 4 से 5 राउंड फायरिंग। फायरिंग के मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। फायरिंग करने वाले युवक की बाइक को पुलिस ने लिया कब्जे में। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक फिल्म में काम न कर पाने का अफसोस जताया है। अमिताभ ने अपनी एक थ्रूबैक फोटो शेयर कर लिखा, फोटो शूट हो गया, टाइटल मिल गया, इसके बाद भी ये फिल्म नहीं बन सकी। किसानों को देशभर की जनता से सपोर्ट भी मिल रहा है। कपिल शर्मा ने किसानों का समर्थन करते हुए ट्वीट किया है, मुद्दा इतना बड़ा नहीं कि बातचीत से हल ना हो। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर रविवार को सिडनी में दूसरे वनडे के दौरान ग्रोइन में चोट के कारण भारत के खिलाफ सीमित ओवर की सीरीज के बचे हुए मैचों से बाहर हो गए हैं। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में हार पर विराट कोहली की कप्तानी को निशाने पर लिया है। इस हार के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज गंवा दी है। कार्तिक पूर्णिमा पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे गंगा तट। गंगा तट पर पहुंचकर हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। 1 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे बावल क्षेत्र के किसान। किसान संगठन ने बैठक कर बनाई रणनीति। कल बनीपुर चौक पर इकट्ठा होकर दिल्ली रवाना होंगे किसान। संभाग का सबसे बड़ा खुश हवा उठाकर जिला अस्पताल के 24 घंटे के अंदर एक एक करके 6 नवजातों की मौत से शहडोल जिले में मचा हड़कंप। सड़क पर उतरे कांग्रेसी। कांग्रेस का कहना है हरियाणा सरकार ने जो बर्ताव किसानों के साथ अपनाया वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। अगर दिल्ली और पंजाब ने किसानों को आने की इजाजत दे दी है तो हरियाणा ने ऐसा बर्ताव क्यों किया। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को आज बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं का आधा समुद्र सचखंड श्री हरमंदिर साहब में पहुंचना शुरू हो गया। दिल्ली में कृषि कानून वापस करवाने की जिद पर अड़े किसानों ने गृहमंत्री अमित शाह का सशर्त बातचीत का न्योता ठुकरा दिया है, जिसके बाद हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने किसानों को दी बड़ी सलाह। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान की रक्षा में न्यायपालिका की काफी बड़ी भूमिका है। पीएम बोले कि 70 के दशक में इसे भंग करने की कोशिश की गई, लेकिन संविधान ने ही इसका जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में देश के लोगों ने संविधान पर विश्वास होने के नाते समर्थन किया है। संसद में इस बार तय वक्त से काफी अधिक काम हुआ है। सांसदों ने अपनी सैलरी में कटौती की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश संविधान दिवस मना रहा है और लोकतंत्र के पर्व के जश्न में डूबा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि हर किसी को राष्ट्रहित को ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए।
पीएम ने कहा कि सरदार सरोवर डैम भी इस राजनीति का शिकार होता रहा है। जब पानी का काम हुआ तो राजस्थान से भैरव सिंह, जसवंत सिंह उनसे मिलने गुजरात आए और बधाई दी। दिल्ली कूच के इरादे से निकले पंजाब और हरियाणा के किसान लंबी लड़ाई के मूड में हैं। अपने साथ किसान राशन और रहने का सामान साथ लाए हैं, लेकिन उन्हें बॉर्डर पर रोका जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे यहाँ बड़ी समस्या ये भी रही है कि संवैधानिक और कानूनी भाषा उस व्यक्ति को समझने में मुश्किल होती है जिसके लिए वो कानून बना है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, अब हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि संविधान के प्रति सामान्य नागरिक की समझ और ज्यादा व्यापक हो। पीएम मोदी ने कहा, हर नागरिक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की भी अपेक्षा है और हमारा भी ये निरंतर प्रयास है। महाराष्ट्र में वैसे तो चुनाव में बहुत से प्रत्याशी उतरे हैं, लेकिन इस प्रत्याशी की चर्चा अमरावती विभाग में जोरों पर है, क्योंकि इस शिक्षक प्रत्याशी ने अपना नामांकन बनियान पहनकर भरा है। यूएई ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। यूएई ने पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देशों के लिए वर्क या एम्प्लॉयमेंट वीजा रद्द कर दिया है। चीन के हांगकांग में कोरोना वायरस की चौथी लहर आ गई है, इसकी वजह से इस इलाके का प्रशासन काफी परेशान है। नोकिया 2.4 आज भारत में लॉन्च हो रहा है। इसे सितंबर में यूरोप में लॉन्च किया गया था। ये बजट स्मार्टफोन होगा और एंड्रॉइड 10 पर चलेगा। इंस्टाग्राम एक और नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। ये फीचर इंस्टाग्राम के मैसेज में एनिमेटेड टेक्स्ट के लिए है। इसके तहत यूजर्स टेक्स्ट को एनिमेट करके सेंड कर सकेंगे। शाओमी ने एक ऐसा पावर बैंक लॉन्च किया है जो विंटर में आपका हाथ भी गर्म रखेगा। कंपनी ने ज़ेडएमआई हैंड वार्मर पावर बैंक लॉन्च किया है। होंडा सिटी भारतीय बाजार में पॉपुलर सेडान है। आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक रहा तो जल्द कंपनी भारतीय बाजार में होंडा सिटी हैचबैक उतार सकती है। देश के दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा के न्यू जनरेशन महिंद्रा थार को क्रैश टेस्ट में ग्लोबल एनसीएपी से शानदार रेटिंग मिली है। कोविड वायरस को लेकर वैवाहिक समारोह में लोगों को शामिल करने के मामले में भारी उपो को सीएम योगी आदित्यनाथ के एक स्पष्ट निर्देश ने समाप्त कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैवाहिक समारोह को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, इसके लिए किसी के भी आदेश की कोई जरूरत नहीं है। वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कुली नंबर 1 25 दिसंबर को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है। अब इसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है। पंजाब और हरियाणा के किसान अंबाला में हैं और धीरे धीरे दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच हरियाणा के गुरुग्राम में योगेंद्र यादव को गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में लिया है।